वेलकम बैक टू जुगाड़। और ये वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, ये जो आप सामने मेरा होम थिएटर देख रहे हो फिलिप्स का, इसको कतई नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो वीडियो आप देखते रहो और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम करेंगे क्या, होम थिएटर में मेरे क्या है, एक कमी है इसमें। कमी ये है इसमें इनपुट्स जो है बहुत कम है। इसमें इनपुट के मामले में खाली कुछ ऑक्स केबल्स ही हम लगा सकते हैं और इसमें गाना बजाने का एक भैया यही तरीका है, इसके अलावा कोई भी नहीं तरीका है। तो दिक्कत क्या होती है भैया, हर समय ऑक्स काम नहीं आता है। तो मेन मेरा मोटो इस वीडियो का यही है, हम इस स्पीकर में ब्लूटूथ का फीचर कैसे जोड़े। ब्लूटूथ के साथ साथ आप इस होम थिएटर में यूएसबी मेमोरी कार्ड एफएम रेडियो प्लस ब्लूटूथ ये सारे चीज आप कर सकते हो। और हालांकि आप इसमें नहीं 2.1 4.1 या इससे हाई लेवल के होम थिएटर्स, हालांकि होम थिएटर्स को तो छोड़ो भाई, होम थिएटर्स तो अलग बात है, आपके जो छोटे स्पीकर आते हैं ना वाले जो मोबाइल में आप लगाते हो, आप उसको भी अपग्रेड कर सकते हो उसके थ्रू, उसका जुगाड़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी की चालू करते हैं इसको अपग्रेड करना। यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यार वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको ठोको। उसको ठोकने से क्या होगा, आप हमारी फैमिली में इंक्लूड हो जाओगे और आपको हर संडे एक नया जुगाड़ू वीडियो मिलेगी, एक नया जुगाड़ मिलेगा और आपको भी पता चलेगा कि क्या होता है जुगाड़। तो भाई यही होता है जुगाड़। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो यार डिसलाइक भी करो, पता तो चले कि क्या कमी होती है। तो चलो इसको खोलते हैं, करेंगे क्या, मैं यूज क्या करने जा रहा हूं वो मैं बताना आपको भूल गया। मैं यूज करने जा रहा हूं ये वाला मॉड्यूल, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है। ये मॉड्यूल में आप यूएसबी लगा सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, सब भी कर सकते हो। 140 रुपए का मिलता है, बहुत सस्ता सा, और 140 में कतई नेक्स्ट लेवल पे ये पहुंचने वाला है, वो आपको आगे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी भाई मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि मैं एक एक डिटेल बताता हूं ताकि जो छोटा सा बच्चा हो ना गधा सा, उसको भी समझ में आ जाए कि कर क्या रहा हूं और उसको भी सीखने को मिले। तो भाई मालूम है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन यार उसमें नॉलेज मिलेगी आपको। तो अब तो काफी बतिया ली है, तो चलते खोलते खोलते, मतलब इसको होम थिएटर को खोलते है और बाकी काम करते करते बाकी बतिया लेंगे। चलो भाई खोलना स्टार्ट करते इसको। भाई खोलने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखा देता हूँ इस मॉड्यूल के बारे में, जो दिखने में कुछ इस टाइप से दिखता है। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप अगर आप अपने लोकल मार्केट से खरीदो तो ज्यादा बेटर भाई पड़ेगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है वो सस्ता पड़ता है वहां पे। तो इस मॉड्यूल में क्या है, आपको एक ये कनेक्टर तार मिलेगा, चार तार है, रेड वाला आपका ये एंटीना वाला होता है और बाकी ये तीन तार होते हैं, ये हम अपने ऑक्स वाले ऑडियो कनेक्टर में यहाँ पे जोड़ते हैं, जो ये होता है ऑडियो कनेक्टर, इस पर हम इस पर जोड़ देंगे। एक ग्राउंड होता है, ये बीच वाला ग्राउंड, एक लेफ्ट एक राइट वाला तार होता है, इसमें ग्राउंड लेफ्ट और राइट तार होता है, ये हमारा इस कनेक्टर में जुड़ता है और ये हम ऑडियो इनपुट में जोड़ देंगे तार को। बाकी एक जो ये रेड वाला पोर्ट आप देख रहे हो, ये रेड वाला पोर्ट से हम 5 वोल्ट, इस बोल्ट को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं। तो उसमें हम अंदर से कनेक्शन इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ से हम इसको 5 वोल्ट प्रोवाइड कर सके। ये तार को यहाँ से कनेक्टर में मदरबोर्ड जो उसका होगा उसमें वहाँ से जोड़ देंगे। बाकी कहीं पे यहाँ पे एक स्क्वायर सा छेद करेंगे हम यहाँ पे बोल्ट पे, मतलब अपने होम थिएटर पे, और इसको यहाँ से करके स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे, तो ताकि अच्छा से दिखे ये, या आगे कर पाएंगे तो आगे, वो तो खोलूंगा तब बताऊंगा। तो खोलना स्टार्ट करते हैं, बाकी कनेक्शन में आपको डिटेल में आगे वीडियो में भी बता दूंगा। तो खोल लेते हैं पहले इसको। तो भाई मैंने बोल्ट खोल दिया और मैं आप अपनी प्लानिंग बता देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी तो आपको मैंने बताया होगा, मैंने पिछली वीडियो में ट्रांजिस्टर सही किए थे, वो जो नीचे दिख रहे हो ये लाइन से 1 2 3 ये सारे ट्रांजिस्टर्स मैंने सही किए थे, क्योंकि मेरे कुछ स्पीकर से ऑडियो नहीं आ रही थी। तो उसमें जैसे 5 स्पीकर्स लगते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्पीकर और एक सब बूफर के लिए 2 IC होती है इसमें, तो टोटल 7 IC है। तो IC तो इसमें सही है, तो IC की तो बात करेंगे नहीं। हमें इनपुट तार कहाँ से जोड़ना होगा, आप देख सकते हो इनपुट में मेरे बोर्ड में कुछ यहाँ पे कनेक्टर्स है ऑक्स के। तो पहला वाला जो टीवी वाला मॉड्यूल है, हम टीवी वाले के साथ ही ऑक्स का कनेक्टर जोड़ेंगे। तो इसमें 3 तार होते हैं, एक ये लेफ्ट एक राइट और जो ग्राउंड तार होता है जो अंदर इसके होता है, मतलब ये जो बाहर वाला ग्राउंड तार होता है ये दोनों का कॉमन होता है। तो इसको हम देखेंगे, इसका कनेक्टर देखो भाई यहाँ पे सॉकेट जो होता है इसका, और पलटेंगे हम अपने बोल्ट को तो आप देख पाओगे ये जो सॉकेट था, ये इस सॉकेट के तार यहाँ पे देखो ये जुड़े हुए। तो ये जो देख रहे हो आप, ये वाला ये एक जो 3 पॉइंट आप देख रहे हो
जो मैंने फिंगर से, तीन पॉइंट मेरे फिंगर्स के आगे है, ये तीन पॉइंट से हम अपना सोल्डिंग करेंगे, लेफ्ट राइट और एक बीच वाला ग्राउंड इससे जोड़ेंगे। बाकी मॉड्यूल हमारा पूरा सही है, मैंने सारे तार्स को डिस्कनेक्ट कर दिए यहाँ से, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से कि कौन कौन से तार को आपको हटाना है और कहाँ पे वो तार वापस लगेगा, तारों की गलती मत करना। बाकी ये मॉड्यूल है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सबसे मेजर काम है, सबसे मेजर काम मैं बता दूँ, ये मॉड्यूल को फिट करना होता है। इस पे इस टाइप से मैं फिट करूंगा क्योंकि बैक से मुझे एसेसिबिलिटी अच्छे मिलेगी। अगर मैं सामने लगाने की कोशिश करूंगा ना भाई, तो आप अंदर देख सकते हो इसमें सब बूफर भी है और अंदर से तार आने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लगाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा, ठीक। इतना मैं स्क्वायर मार्क कर लूंगा ताकि ये जो बोल्ट है इतना बड़ा ये इसके अंदर फिट हो जाए, और स्क्रू से उसको कस दूंगा, ये तार खींचे आ जाएंगे, फिर मैं कनेक्शन तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं इसको मार्क करके काट के लाता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ कि मैं कैसे काटा मैंने और क्या किया मैंने, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो भाई पहले मैं बता दूं मैं करने क्या जा रहा हूँ, ना कहोगे यार ने बताया नहीं। मैंने ये बोल्ट लिया, यहाँ का सेंटर नापा मैंने, यहाँ का सेंटर नाप के ये बोल्ट को यहाँ पर रखा। ये बोल्ट की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर थी, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन ली, सेंटर से लेके 8 सेंटीमीटर की लाइन ली। ये जो थिकनेस थी यहाँ की, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये थिकनेस हमारी 2 सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये मैंने लाइन ली, ये दो लाइन, और एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया। ये जो स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हो, इसको मुझे काट के निकालना है। मैं ड्रिल मशीन से छेद करूंगा, छेद 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 कर 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 करके बहुत मुझे टाइम लगने वाला है, वो मैं करूंगा, और बस ऐसे करके हम काट देंगे सिंपल। तो भैया देखो, काफ़ी टाइम बाद मैंने मेहनत कर कुरा के सब सारी चक्रम करने के बाद मैंने इसको कुछ इस प्रकार से काट लिया है। और मैंने क्या काम किया है, ये जो हमारे कनेक्टर्स थे, इन कनेक्टर्स में मैंने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा है। रेड वाला वायर हमारा राइट हो गया राइट स्पीकर के लिए, ये हो गया लेफ्ट स्पीकर के लिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्पीकर के लिए। तो मैंने कनेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, रेड वाला एंटीना तो अंदर ही रहे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ये जो पावर वाला माजरा था, पावर वाले माजरे को भी हमने एक्सटेंड कर दिया एक ब्लैक और वाइट वायर से। मॉड्यूल हमारा ये रहा, अब इसको हमें लगाना है। लगाने के साथ साथ हमें इसको हॉट ग्लू से भी करना होगा, क्योंकि होता क्या है, हमें इसको एयर टाइट अंदर से करना होता है ताकि हमारी कोई भी एयर बाहर ना निकले, तो हमारा जो बूफर होता है ना बहुत परफेक्टली काम करता है। तो ये वायर्स को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ मैं, और ये वायर्स को इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने इतना लंबा वायर लिया ताकि हम अपने बोल्ड में इसको बहुत ही आसानी से मतलब कनेक्ट कर सके बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो ये मैंने एक्सटेंड करके इसको ऐसे करके अंदर डाल दिया है। ये देख लेंगे, आपका बोल्ट सीधा होना चाहिए, ये नहीं उल्टा लगा दोगे तो नौटंकी हो जाएगी। तो ये सारे वायर्स इस तरीके से पीछे से निकल गए। अब हम थोड़ा सा हॉट ग्लू करके करते हैं, उसके दो स्क्रू से इसको यहाँ पे कसेंगे। यहाँ पे लेके मैं एक हॉट ग्लू से लाइन लगा ले लेता हूँ। हॉट ग्लू से हमने इसको कर दिया है, अब इसको जल्दी से हम अंदर दबा देते हैं, थोड़ा सीधा देख लेंगे, हमने ऐसे करके दबा दिया। अभी ऊपर से भी हम हॉट ग्लू थोड़ा सा हमें लगाना होगा ताकि बहुत अच्छे से टाइट हो जाए। मैंने इस टाइप के दो पाटा स्क्रूज भी लिए हैं, पाटा स्क्रूज को उसको हम यहाँ डालेंगे और उसको टाइट कर देंगे अच्छे से, दोनों तरफ से अच्छे से टाइट कर दिए, एकदम परफेक्ट हो गया। अब साइड से हम हॉट ग्लू लगा देंगे इस पर। तो जो भी बचा कुछ हॉट ग्लू होगा वो हम ऐसे करके साफ कर लेंगे। बहुत तेज चल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, बहुत आराम से करेंगे, हाथ इसमें बहुत तेज जलता है। या ये हमारा बोल्ट लग गया। अब बारी आती है कनेक्शन में, तो कनेक्शन के लिए मैंने अपने बोल्ट को निकाल लिया है। कनेक्शन पे हम क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट था,
इस बोर्ड को निकाल दे, ये टीवी वाला था, तो इसका आप देख सकते हो अपोजिट अगर मैं इसको घुमाने का कोशिश करूं, ये आउटपुट था और देखिए इस पे ये पॉइंट है वन, ये टू और ये थ्री पॉइंट है, इन तीनों में से जोड़ेंगे ये लेफ्ट, ये राइट और ये अलग ग्राउंड वाला, इन तीनों से हम जोड़ देंगे और पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट सप्लाई के लिए हम इस कनेक्टर से जोड़ेंगे, जो ग्रीन वाला वायर है ये 5 वोल्ट हमें देगी। तो ये आपको भी अपने बूफर के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढोगे कैसे, देखो यहाँ पे देखो मुझे कैसे मिला, मेरे बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ था तो मुझे पता चल गया यहाँ से मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा। देखिए 5+5V लिखा है तो यहाँ से, और जी एंड डी जो लिखा है वहाँ से ग्राउंड, तो उस तरीके से मुझे मिल गया ये। तो यहाँ से मैं 5 वोल्ट प्रोवाइड करूँगा और वहाँ से मैं इस वाले से मैं ऑडियो इनपुट करूँगा, तो वो मैं वायर को सोल्ड कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम वायरिंग का प्रोसीजर मतलब सोल्डिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो आप, मैं दिखा देता हूँ, जो ये है ये 5 वोल्ट और ये ग्राउंड यहाँ पे लिखा है, आपको ढंग से नहीं दिख पाएगा कैमरे में मुझे मालूम है, लेकिन आपके जो होम थिएटर होगा उसके उसमें अलग आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक 5 वोल्ट का। और यहाँ पे देखो इसको अगर हम पलटेंगे तो ये जो ग्रीन वायर जहाँ पे सोल्ड है, ये जो ग्रीन वायर वाला है वो हमारा हो गया क्या कहते हैं 5 वोल्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके जस्ट बगल में वो हो गया ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल वाला। तो इस पे हम सबसे पहले अपनी पावर वाली जो तार है ये वाइट और ब्लैक वाली, ये हम सबसे पहले इस पे जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करने जा रहे हैं, जो बचे हुए ये 3 वायर्स है, इन वायर्स को हम अटैच करेंगे इन 3 पॉइंट में, जो हमारा टीवी वाला आउटपुट पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट टर्मिनल हमारा राइट वाला है, ये वाला लेफ्ट वाला है और ये वाला हमारा ग्राउंड वाला है, जो हमारा यहाँ के पॉइंट से आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो ये राइट, ये लेफ्ट, ये ग्राउंड। तो हम इस पर सोल्ड कर देते हैं आप अपने वायर्स को। तो हमारा रेड वाला जो था वो हमने ग्राउंड वाले से कनेक्ट किया था, हमारे जो मॉड्यूल वाला बोल्ट था उसमें। सेकेंड हमारा येल्लो वायर जो था वो हमारा था लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला भी हम कर देते हैं इसमें। ये ध्यान रखिएगा ये जो एक्सेस वायर है, ये जो एक्स्ट्रा आगे निकला इसको हम कट कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो सबसे पहले इसको कट कर देते हैं ये जो एक्स्ट्रा वायर को। फिर नेक्स्ट हम जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, कनेक्शन हमारा इतना ही था, कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, बस टेस्टिंग की देर है। तो इसको सबको मैं बांधने के बाद टेस्टिंग पे आता हूँ। मैंने इसको सारे वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, अभी मैंने इसको किया नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ होती है हर समय मेरे साथ, मतलब एंड में, तो इसीलिए पहले टेस्टिंग कर लेते हैं इसके, उसके बंद कर देंगे। तो ये वायर है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अरे भैन चूत, ये क्या हुआ, फक शिट यार, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। चलो मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है, उसके बाद इस गड़बड़ को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ वापस। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। पिछले एक घंटे से मैं मगजमारी कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या नई टाइप की की। फाइनली मुझे जाके पता चला ये जो ब्लैक और व्हाइट वायर थे, इन दो वायर्स को मैंने उल्टा लगा दिया था, इसलिए इसको पावर सप्लाई अपोजिट मिल रही थी और जिसके वजह से ये साउंड ऐसे गर 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 आवाज निकाल रही थी। मेरी बहुत गंदी दिया कि क्या हो गया। चलो मैंने इसको बदल दिया, वापस सोल्ड करके सही कर दिया। तो ये बात ध्यान रखना, सारे कनेक्शन प्रॉपर वे में करना वरना चूतिया कट जाएगा और क्या होगा। तो ये दोनों वायर्स को मैंने वापस सही पोजिशन पर लगा दिया। अब मैं इसको बांध करके अपने रूम में पूरे सारे स्पीकर्स को सेटअप करने के बाद फाइनल वाली टेस्टिंग करेंगे, अच्छी वाली टेस्टिंग जिसमें भयंकर फुल वॉल्यूम में हम म्यूजिक बजाएंगे। तो वो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आई एम बैक, सब सेटअप मैंने कर दिया है, सारे तार तूर सब जितना भी नोटन किया था सब कर दिया है। अब फाइनल काम है हमारी टेस्टिंग का। टेस्टिंग हमारी एक बार फेल हो चुकी है, जो हर बार होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हर बार फेल होती है। और बाकी चला के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ऑन करते हैं अपना स्पीकर और इनपुट में हमने सीडी डाल दिया। ये मत बजो, कॉपीराइट। तो यूट्यूब का कॉपीराइट जो है ना वो बड़ा खतरनाक है, तो एफएम मैं बजा नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ऑन करूंगा तुरंत मोड चेंज कर दूंगा इसका, ताकि ये इसमें एफएम ना बजे। अब हम टेस्ट करके दिखाते हैं, सबसे मेन फीचर हमारा ब्लूटूथ वाला, तो सबसे पहले हम करेंगे ब्लूटूथ वाली टेस्टिंग।
ब्लूटूथ के लिए हम इसको मोड में लगाते हैं, ब्लूटूथ मोड। ब्लूटूथ मोड पे लग गया, आपने सुन लिया होगा, मैं वॉल्यूम तेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं इसका। ब्लूटूथ ऑन किया हमने और डिवाइस सर्च कर रही है और ये इसका आ गया तो पेयर्ड हो गया फिलहाल ये। तो मैं कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चलाता हूँ इस पे, देखते हैं। इस समय ब्लूटूथ से चल रहा है, देखिए इसमें बीटी मोड लिख के भी आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो वो मुझे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन बीटी मोड इसमें लिख के आ रहा है। नेक्स्ट टेस्टिंग हम करेंगे इसकी एसडी कार्ड से, इसमें एसडी कार्ड का स्लॉट है तो एसडी कार्ड वाला भी मैं लगाऊंगा, एसडी कार्ड पे लगा देते हैं इस पे। Play by TF card. वाह। नाइस। तो एसडी कार्ड से भी चल रहा है। मैं म्यूट कर देता हूँ। इसका सबसे बढ़िया ये फीचर बढ़िया मुझे लगा, ये जो बोल के करते ना कि प्लेड बाय यूएसबी या प्लेड बाय टीएफ कार्ड या ब्लूटूथ मोड, तो ये बड़ा मजेदार सा लगा मुझे और सही है यार, हो गया। तो यही था, हमने अलग से मॉड्यूल लगा दिया, आप मॉड्यूल आगे भी लगा सकते हो, तो डिपेंड करता है भाई कि आप किस जगह लगाना है। मेरे लिए कन्वीनियंट ज्यादा ये था, मैं आगे भी लगा देता तो वो तिकड़म बहुत होता, तार लंबा ले जाना पड़ता। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सब टाइप का बोलना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो इतना आपने अपना टाइम स्पेंड करके इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा तो यार मेरे लिए इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती भाई। और बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने ये इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा। बाकी अगले संडे को मिलते हैं, अगले संडे को कुछ निकालते हैं नया जुगाड़, और देखते हैं कि अगले संडे को हम क्या करेंगे, क्या नया जुगाड़ करेंगे। और भाई अगर आप इस चैनल में नए हो तो मैं जानती हूँ क्या करना, बार बार बोल के कोई फायदा नहीं होता है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले संडे के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा यार।